चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वी आई ग्राफ फॉर अ कंडक्टर एट टेम्परेचर टी वन एंड टी टू आर शोन इन फिगर। टी टू माइनस टी वन की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगी ये बताना है। चलो सबसे पहले हम ये जानते हैं जो वी आई ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप को क्या बताता है? रेजिस्टेंस को बताता है, करेक्ट ना? स्लोप क्या बताता है? रेजिस्टेंस को। अच्छा, इस स्लोप का टेम्परेचर टी वन, इस स्लोप का टेम्परेचर टी टू है। और कंडक्टर में ये ध्यान रखना कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जनरली रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टिविटी भी कम होगी, रेजिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट दिमाग में बैठाना है कि ये कंडक्टर है, इंसुलेटर में उल्टा होता है, इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी कम होती है, जिससे रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है बिल्कुल भी। तो सबसे पहली बात तो आपको ऐसे लिख देना है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिखो, रेजिस्टेंस यानी स्लोप, स्लोप कहो या रेजिस्टेंस कहो, बात एक ही है। स्लोप वी आई ग्राफ में स्लोप ही रेजिस्टेंस है, तो स्लोप जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी वो रेजिस्टेंस ही है। तो स्लोप क्या मतलब, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो स्लोप आई करंट वाले एंगल से कितना है बना रहा है, एक्सिस से थीटा। तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू टी वन। और दूसरे वाले के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो टेन 90 माइनस थीटा इज प्रोपोर्शनल टू टी टू, सही है। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो टेन थीटा इज इक्वल टू के टी वन होगा, और ये कॉट थीटा हो जाएगा। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन साथ ही साथ हटाते हैं, के टी टू के इक्वल हो जाएगा ये, और ये इक्वेशन को ध्यान से देखो। तो हमको चाहिए टी टू माइनस टी वन, तो क्या करो, इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन कहो, इसको सेकेंड कहो, तो टू माइनस वन कर दो, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन। तो के टी टू माइनस के टी वन इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, ये होगा के कॉमन ले लो, टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू कॉट का कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एलसीएम ले लें साइन थीटा कॉस थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये ऊपर वाला हो जाता है कॉस टू थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये के ब्रैकेट के बाहर है टी टू माइनस टी वन। तो अल्टीमेटली ये आएगा क्या, अगर तुम ध्यान से देखो क्या आना चाहिए बताओ, के कॉन्स्टेंट है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो टी टू ये तो टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन टू थीटा हो जाएगा, तो टी टू माइनस टी वन के बाहर है इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, टू कॉस टू थीटा बाई साइन टू थीटा, ये कॉट टू थीटा हो जाएगा, टू कॉट टू थीटा, ये के टी टू माइनस टी वन, के को इधर भेजो, टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू टू बाई के कॉट टू थीटा, तो टू बाई के कॉन्स्टेंट है, तो टी टू माइनस टी वन इज प्रोपोर्शनल टू कॉट टू थीटा होगा ना, कौन सा ऑप्शन सही है, कॉट टू थीटा, ये बी वाला ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।